ईमान ने फरमाया पास तुझे लड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब्बास लड़ने की इजाजत नहीं है। अब्बास टीले पर आए और एक जोर से आवाज बुलंद की, काफिर होशियार हो जा, आने वाला अफसर कमीना है, ये शामी पहलवान है, जरा उठकर ऐसा वार करो इसे पता चल जाए हैदर तलवार का पोता लड़ रहा है। अफसर कमीना आया, अरे अब्बास के शागिर्द तीन जन के प्यास थे, करीब अल हसन ने इस तरह सवाल किया, उस अफसर कमीने के दो टुकड़े किए, जैसे ही अफसर कमीना दो टुकड़े हुआ, अब उमर अपने साथ ऐलान आम किया, एक और शाम की फौज, अरे तुम इल्म नहीं जो बनू हाशिम का दांत है, ये अली का पोता है, ये आज तुमसे मगलूब न हो पाएगा, सारे मिलकर जग पर भी इस पर हमला करो। अब चारों तरफ से फौज आगे बढ़ी और तीन दिन का प्यास है अपन का बेटा है, चारों तरफ से कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई नेजे से वार करता है, और दरमियान में अकेला अरे हसन का यतीम है, एक जालिम ने ऐसा गुर्द मारा, अरे कासम दीन को जमीन पर आया, आवाज बुलंद किए चक्के, अरे कासम के सलाम में आकर कबूल कीजिए, हुसैन खयाम से मैदान में आना चाहते हैं, इधर हुसैन खयाम में पहुंचे आम से, अरे मैदान में पहुंचे कि मशरक के कोहरे मगरब की तरफ और मगरब के कोहरे मशरक की तरफ और कासम की लाश करबला की सरजमीन में तकसीम हो गई। हुसैन पहुंचे, आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन कासम की आवाज नहीं आती। हुसैन फरमाते, कासम कहां उतरे हो, एक एक टुकड़े से आवाज आती है, लगता है मेरा हुसैन आका इधर कहो, आका इधर कहो, आका हुसैन ने अपनी अबा बिठाई, कासम का लाश का एक एक टुकड़ा अबा के दामन में जमा दिया, अरे कासम की लाश के टुकड़ों की गठरी लेकर खड़ा में आना चाहते हैं। किसी बीबी ने उम्मे बरवा से कहा, उम्मे बरवा हुसैन तो आ रहे हैं लेकिन कासम की लाश नहीं ला रहे। उम्मे बरवा ने बयान किया, खुदा मेरे कासम ने कुर्बानी नहीं दी, मेरा कासम कुर्बान नहीं हुआ, एक मरतबा हुसैन खैमों में आए, आका हुसैन ने गठरी सामने रखी, उम्मे बरवा ने पूछा, बोला मेरा कासम की लाश इमाम ने फरमाया मैं फरमा, तेरा कासम तकसीम हो गया, जो मिला है लेकर आ गया, एक मतलब कासम की लाश के टुकड़े खया में हो जाए नहीं सदी Yeah.
देवन पे